और वश्कुरूली वला तकफुरून, और तुम लोग शुक्रगुजारी करो मेरी और ना शुक्री से बचो, कुफर से बचो। अल्लाह ताला हमें ग्रेटफुलनेस का जो है वो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि ग्रेटफुलनेस इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। और ग्रेटफुलनेस के हवाले से सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 7 अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, आई विल इंक्रीज़ यू लअज़ीदन्नकुम, तो मैं मज़ीद दूंगा तुम्हें अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त उसूल हैं, शुक्र किए जाएँ, पॉजिटिव अल्फाज कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मेहनत अपनी जारी रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें, तो आप देखना कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको कितना देगा। और देने में, देने से सिर मुराद पैसा नहीं है, रिस्क में बड़ा कुछ आता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो अल्लाह बहुत रिस्क देगा इंशाल्लाह, स्पेशली लॉयल पीपल, पीपल स्ट्रगल विद लॉयल्टी इवन आफ्टर गेटिंग रिच, बट अल्लाह विल गिव यू लॉयल पीपल। या यो लजीन आमन उस्ताइन बिसबरी वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। दूसरा रूल हमने ये बताया था कि सबर और नमाज में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो, अल्लाह ताला सबर वालों का साथ देता है। अल्लाह का वादा है मैं सबर वालों के साथ हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा भी यही मैसेज देती है कि सबर, सबर शुक्र, सबर शुक्र, सबर शुक्र। मैं तो कहता हूँ इसकी तस्बीह क्या करें रोज़ाना, मतलब मजाक में कह रहा हूँ कि मीनिंग मेरा ये है कि हर वक्त सबर और शुक्र को याद रखा करें, अपने ब्रेन को मैसेज दिया करें सब्र और शुक्र का। लेकिन सब्र से ये मुराद नहीं है कि सफ़र करें, सब्र में, पेशेंस में और सफरिंग में फ़र्क है। सब्र इज़ नॉट द एबिलिटी टू वेट, सब्र इज़ द एबिलिटी टू वेट विद अ गुड एटीट्यूड। सब्र ये होता है कि आप ना शुक्री के अल्फाज ना कहें, आप जो है किस्मत को ना कोसने लग जाएं, अल्लाह को ना उस बिल्ला कुछ कोसने ना लग जाएं। सब्र से मुराद है कि जो आपके पास है, जो हालात चल रहे हैं उसमें कंपोज रहें। गम आना ओके है, सबर का मतलब ये नहीं है कि गम ज़दा ही ना हो, सबर का मतलब है कि शिकायती कलमात, और इसमें अगर आपने किसी की मिसाल लेनी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका सबर देख लें सूरह यूसुफ में, तो आपको समझ आ जाएगी सबर से मुराद क्या होता है।